ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिसेस प्रीति सिंघल जी का जोरदार तालियां प्रीति सिंघल जी के लिए। थैंक यू सो मच रश्मि जी। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रीति सिंघल है और थैंक यू करती हूँ सुरेखा मैम का, कपिल सर का, जो आज मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी आपके सामने पावर ऑफ फोर बताने की। फ्रेंड्स, हम सब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है और ये बिजनेस नेटवर्क बनाने का, टीम बनाने का बिजनेस है। और एक अच्छी बड़ी टीम, एक अच्छा बड़ा स्ट्रांग नेटवर्क बनाने के लिए टीम में अच्छे लीडर्स होने भी बहुत जरूरी है। अच्छे लीडर्स बनाने से पहले हमें खुद को एक अच्छा लीडर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही कह रही हूँ? क्योंकि अभी अभी हमने जाना, सर ने बताया कि ये बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो पहले हम खुद को चेंज करेंगे, एक अच्छा लीडर बन के दिखाएंगे, तभी हम अपनी टीम में अच्छे लीडर्स खड़े कर पाएंगे। अब बात करते हैं तो आज आपको मैं एक ऐसे फॉर्मूला के बारे में बात करूंगी जो आपको ना केवल अच्छे लीडर्स बनाने में हेल्प करेगा बल्कि 100% सक्सेस भी दिलाएगा। Yes, मैं बात कर रही हूँ 4D फॉर्मूला की। ऐसे 4D जो आपकी लाइफ में सक्सेस 100% लेकर आएंगे। पहले डी की बात करते हैं। पहला है ड्रीम। ड्रीम मतलब सपना। हम सबने बोली कि बिजनेस किसी ना किसी सपने को लेकर ही शुरू किया, लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस में सफलता चाहिए तो आपका सपना बड़ा होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट, मतलब जो बड़ा सपना देखते हैं वो ही सफल होते हैं। आपका सपना बड़े घर का हो सकता है, लग्जरी कार का हो सकता है, देश विदेश की यात्रा का, वर्ल्ड टूर का, किसी का भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ सपना देखने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, उसको आपको गोल में बदलना पड़ेगा, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, मतलब आपको उसको एक डेट देनी पड़ेगी। अब मैं अपनी बात करती हूँ, मेरा सपना या मेरा नेक्स्ट गोल है 21 नवंबर 2023 को मैं अपने 1 करोड़ के घर में गृह प्रवेश कर रही हूं। लेकिन ये सपना ऐसे भी पूरा नहीं होता। पता है कब पूरा होता है ये सपना? पूरा होता है, आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी महात्मा जी के पास गया और उसने बोला, महात्मा जी मुझे सफलता का मूल मंत्र दीजिए। महात्मा जी बोले, बेटा कल आना। चला गया। अगले दिन वो फिर से आया, फिर से बोला, महात्मा जी मुझे मूल मंत्र चाहिए सफलता का। महात्मा जी बोले, बेटा कल आना। ऐसा लगातार कुछ दिन चलता रहा। एक हफ्ते के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में वो आदमी वापस आया और बोला, महात्मा जी मैं एक हफ्ते से लगातार आपके पास आ रहा हूं और आप मुझे मूल मंत्र नहीं दे रहे। आज मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके आश्रम में ही रुकूंगा। जब तक मुझे मूल मंत्र नहीं मिल जाएगा मैं यही रहने वाला हूँ, क्या पता मेरा चेहरा आप बार बार देखें और आपको मेरे पे तरस आ जाए और आप मुझे सफलता का मंत्र बता दें। महात्मा जी चले जाते हैं। अगले दिन महात्मा जी जब सामने आते हैं, दोबारा से टकराते हैं दोनों, तो महात्मा जी को थोड़ा तरस आ जाता है। महात्मा जी कहते हैं, बेटा कल सुबह तुझे मेरे साथ नदी पर चलना है। आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जल्दी उठता है, सुबह फटाफट तैयार होता है, महात्मा जी के साथ नदी पर पहुंच जाता है। नदी पर जाकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा डुबकी लगानी है। जैसी वो डुबकी लगाता है महात्मा जी उसका सर अंदर डुबो देते हैं। 3-4 बार ऐसा करते हैं और उसकी सांस फूलने लग जाती है और वो कहता है, महात्मा जी ये क्या किया आपने, मैं तो ऐसे मर जाऊंगा। बोले, जैसा बेटा तू ये सांस लेने में तड़प रहा था, जब तेरा सपना कोई ऐसा होगा, तेरा कोई लक्ष्य ऐसा होगा जिसे पाने के लिए तो ऐसे तड़पेगा, तेरे को सफलता मिलेगी। तो जब हम बड़ा सपना देखते हैं और अगर हम ऐसी पैशन रखते हैं तो सपना जल्दी पूरा होता है। अगला है डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब समर्पित रहना। हमें 100% डेडिकेशन के साथ ही यहाँ पर काम करना है। सपना बड़ा होगा लेकिन अगर डेडिकेशन नहीं होगी, आप समर्पित नहीं होंगे, तो सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आपने पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया है, आप कहते हैं मैं 6 दिन बहुत बिजी हूँ, 1 ही दिन मैं दे सकता हूँ, संडे का दिन है, तो आप 3 साल लगातार सारे संडे देकर तो देखिए आने वाले सालों में आपके सारे दिन संडे बन सकते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। आज से 5 साल पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने और संजय जी ने, तो हमने बहुत सारे फैमिली फंक्शंस मिस किए थे। ओके मैम, मैं ये मिस कर, मैं नेक्स्ट स्टार्ट पे चलती हूँ। ओके राइट।
चलते नेक्स्ट डी पर जो कि है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन में रहना, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें टाइम कंस्ट्रेंट में रहकर करना है, हमें अपनी टीम को साथ में लेकर चलना है, और जो हम करते हैं वो हमारी टीम में डुप्लीकेट होने लग जाता है। तो डिसिप्लिन के साथ एक्टिव रहकर काम करेंगे तो हमारी टीम भी वही फॉलो करेगी। नेक्स्ट है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब काम को बांटना। नेटवर्क मार्केटिंग टीम वर्क है और हमें सारा काम खुद नहीं करना। अगर हम सारा काम खुद करते हैं तो हमारी टीम स्ट्रांग नहीं हो पाती है। अब आज के इवेंट की अगर हम बात करें, सुरेखा मैम जिन्हें हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम द लेजेंड के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम बिजनेस टाइकून के नाम से जानते हैं, जाने कितनी ख्यातियां इनके पास है, क्या आज की ट्रेनिंग कंडक्ट करनी मुश्किल थी उनके लिए? बाएं हाथ का खेल था, लेकिन उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे रोल्स लीडर्स को डेलीगेट कर दिए। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो आपके लीडर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके पास टाइम बचने लग जाता है अपनी टीम की ग्रोथ के लिए, नए आइडियाज पर काम करने के लिए। और मैं थैंक यू करूंगी कपिल सर का, क्योंकि सर ने शुरुआत से ही जब रोज डेलीगेट करने शुरू किए, मैं अपने बारे में बताऊं मैं बहुत शाय नेचर की रही हूं, कभी भी स्टेज पर नहीं चढ़ी हूं, लेकिन सर ने जब रोज डेलीगेट करने शुरू करे तो ये कॉन्फिडेंस आया कि आज इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर बोल पा रही हूं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और ये चार टीम फॉलो करते करते आज 5 साल में क्या अचीव किया है, महीने की 3 लाख प्लस की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, 3 फॉरेन ट्रिप्स ले चुके हैं, 10 लाख की गाड़ी ले चुके हैं और एक छोटा सा घर भी बुक करवा चुके हैं। थैंक यू सो मच।